सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्द्रतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने 13 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, उसमें विश्वामित्र ऋषि बता रहे हैं महाराज दशरथ से कि राम केवल आपके ही पुत्र रूप में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि वो समस्त असुरत्व का विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उसकी शुरुआत सुबाहु और मारीच से हो रही है। तो आप पुत्रगतम स्नेहम करतुम न अरहसी, पुत्रगत मोह स्नेह आप ना करें और श्री राम को आप मेरे साथ भेज दें। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अहम ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ, और ये मैं आपको बताता हूँ। प्रति जानामि, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, उनको लिख भी लिया करो अपने किसी कॉपी में। जैसे आप वार्तालाप करते हैं तो ये शब्द कभी आपको बोलना पड़ सकता है। जी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अहम प्रति जानामि। तो ऐसे लिख लिया करो, अहम ते प्रति जानामि, मैं आपको बता रहा हूँ कि तौ राक्षसौ हतौ विद्धि, उन राक्षसों को तो आप मरा ही समझो, क्योंकि उन्होंने उपद्रव की पराकाष्ठा कर दी है। तो जब कोई व्यक्ति अति उपद्रवकारी हो जाए, तो उसमें योग दर्शन में है ना, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष। तो जब किसी को बहुत ज्यादा पुण्य का फल मिलने वाला है, तो समझो कि उसने अतिशय तप किया है। कोई अतिशय तप करता है, पुण्य करता है, तो उसका फल तुरंत मिलता है। थोड़े थोड़े तप करता है तो उनका फल मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं मिलता है। ऐसे ही कोई थोड़ा थोड़ा पाप करे तो उसका फल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, पर कोई अतिशय पाप करे तो तुरंत मिलता है। हम रोजाना सभी हिंसा करते हैं, लेकिन कैसी हिंसा करते हैं? छोटी छोटी, मृदु। कोई चींटी पैर के नीचे मर गई, कभी किसी को डांट दिया, कभी अनजाने में ही खाने में सांस के साथ भी जा रहे हैं, कृषि करते समय, पेड़ पौधों की सेवा करते समय, तो हिंसाएं तो होती है ना, यज्ञ करते समय। लेकिन ये कैसी हिंसाएं हैं? छोटी छोटी है, मृदु हैं ये। तो इनका फल कब मिलेगा? बहुत समय के बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो कितनी भी चींटियां आदि, मच्छर आदि मार देते हैं, मच्छर को तो मार ही देते हैं हाथ से बेचारे को, पर अगर किसी मनुष्य को मार दिया तो वो कैसी हिंसा हो गई? तीव्र, मृदु मध्य अधिमात्र, अधिमात्र मतलब तीव्र। अगर किसी मनुष्य का मर्डर कर दिया आपने, फिर फल कितने दिन में मिलेगा? हैं? एक दो दिन में नहीं, तुरंत पुलिस आ जाएगी, उसी समय दर दबोचेगी, डाल देगी अंदर आपको ले जाके, तुरंत मिलता है उसका फल। तीव्र संवेगा नाम
तीव्र संवेग से जब कोई पुण्य या पाप किया जाता है तो उसका फल आसन्न बिल्कुल निकट है, समझ लो तुरंत मिलने वाला है। तो ऐसे ही इन राक्षसों ने भी अपनी पापों को पराकाष्ठा पे लाया हुआ था, क्योंकि यज्ञ हवन में सब रक्त मांस आदि डाल दे रही थे, किसी को भी कोई अच्छा काम नहीं करने दे रहे थे। तो जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं ना जी, इन्होंने तो जीना हराम कर रखा है। तो उन्होंने विश्वामित्र का जीना हराम कर रखा था। तो बोले जी उनको तो आप मरा ही समझो। यही बात गीता में भी कही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि इनको कौरवों को तो आप मरा ही समझो। क्यों? क्योंकि वो क्रूरता में और पाप में इतने पराकाष्ठा पे पहुंच गए कि जो अपने ही घर की कुल वधु है उसको सभा में बुला के कह रहे इनका चीरहरण करो। तो ये कोई बात हुई? ये भाई भाइयों की लड़ाई है, तुम लड़ाई करो, एक दूसरे से युद्ध करो, कुछ भी करो, ये कौन सा तरीका है? तो ये पाप की पराकाष्ठा है, वहां तक पहुंच गई। मतलब व्यक्ति को ये होश नहीं है कि इसका क्या परिणाम होगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि इनको तो इनके पापों ने मार ही रखा है, इनको तो मरा हुआ ही समझो। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत आतताई होता है, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो फिर उसका विनाश नजदीक ही होता है, निमित्त कोई भी बन जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं पहले। जी माइक दे दो उनको। मित्र जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए जो मारीच और सुबाहों को वो फिर क्रोध नहीं कर सकते, तो वो तो उनसे करवा रहे, फिर राम जी से करवा रहे, तो क्रोध तो ना अनुष्ठान कर रहे हैं। विधान होता है भाई अनुष्ठान का। अब उनको उनसे तो करवाना ही पड़ेगा, अनुष्ठान को सफल करना है तो उनका काम है बॉडीगार्ड का। तो ये विधान है ना, ये विधान होते हैं। अब मान लो कि दंड तो जज देता है, कोई फैसला आता है तो जजमेंट कौन करता है? जज करता है कि इस व्यक्ति को इतने साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल में पकड़ के कौन ले जाएगा? जज ही ले जाएगा क्या? वो दूसरे लोग होते हैं। जज कहता है इस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, तो उसने तो जजमेंट दे दी, फांसी देगा कौन? वो दूसरे होते हैं फांसी पे चढ़ाने वाले, हत्यारे तो दूसरे होते हैं ना। तो सबका अपना अपना काम होता है। तो इनका काम है उनको दंड देना, तो दंड देगा कौन? कोई क्षत्रिय देगा, क्योंकि ये तो ब्राह्मण वृत्ति में प्रतिष्ठित हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अपना अपना काम तो सब करते हैं ना समाज में, यही प्रथा है समाज की। बड़ी प्रश्न था, जैसे यहाँ पे मारीच और सुबाहु जैसे असुर हैं, वैसे हमारे मन में भी तो ऐसे बहुत सारे हुए जो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो वह तो विश्वामित्र जी ने राम जी को लाया, फिर हम हमारे जीवन में जब आए हम कैसे इसको फेस करें? फिर आपके भीतर ही अयोध्या है, आप अपनी अयोध्या में घुसो, वहां से राम जी को लाओ। आपकी अयोध्या भी यही, राम जी भी यही, दशरथ भी यही, असुर भी यही, मारीच सुबाहु भी यही, विश्वामित्र भी यही, सब एक ही जगह। कितनी अच्छी बात है, वहां तो विश्वामित्र को वहां से चल के अयोध्या आना पड़ा, आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ अपने अंदर ही है। तो यहाँ राम का मतलब है ब्रह्म, ये तो शुरू में ही बता दिया ना इसमें। रामायण में जहाँ शुरू में राम की स्तुति की गई, तो वहां किसकी स्तुति है? वो परब्रह्म की। और उस परब्रह्म के नाम के ऊपर ही दशरथ ने अपने पुत्र का नाम भी राम रखा है, उनका नाम भी राम है। उसके अंदर भगवान जैसे कुछ गुण हैं, तो ऐसे उपमा दी जाती है ना, नरव्याघ्र। नरव्याघ्र मतलब व्याघ्र जैसा नर, पुरुष सिंह, सिंह जैसा पुरुष। जैसे सरदार पटेल को बोलते हैं लोह पुरुष, तो लोहे के थोड़े बने, लोह पुरुष मतलब लोहे जैसे दृढ़, जिसको जल्दी से तोड़ा ना जा सके। तो ऐसे तो कोई आयरन के थोड़ी बने थे वो। अच्छा, ये बातें सब स्वीकार कर लेते हैं, लौह पुरुष को स्वीकार कर लेंगे कि जी वो ऐसे ही थे, और पुरुष सिंह को स्वीकार कर लेंगे
लेकिन जब राम की बात आती है कि वो ब्रह्म जैसे ही गुण थे उनमें, तो भुलजी ये कैसे हो सकता है, भगवान के गुण किसी मनुष्य में कैसे आ सकते हैं, वहां बड़ा झगड़ा करते हैं। कुछ खास मत पंथ संप्रदाय के लोग, ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि भगवान के गुण किसी मनुष्य में कैसे आ जाएं, क्यों नहीं आ सकते हैं, भगवान के जितने नहीं आएंगे लेकिन भगवान के जैसे तो आएंगे ना, तो भगवान में अनंत प्रेम है तो इस मनुष्य में थोड़ा तो आ सकता है, ईश्वर में अनंत करुणा है तो इसमें थोड़ी तो आ सकती है, ईश्वर में अनंत ज्ञान है तो मनुष्य में थोड़ा ज्ञान तो आ सकता है ना। तो ऐसे जो दशरथ पुत्र राम है उनमें भी मनुष्यों की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा सद्गुण है, सत्य प्रेम करुणा मर्यादा बहुत पराकाष्ठा में, ईश्वर की दृष्टि में तो वो बहुत कम है फिर, क्योंकि ईश्वर का तो सब कुछ अनंत है तो उनका अनंत तो नहीं है। तो हमारा राम कहाँ है, उस असुरत्व का विनाश राम ही कर सकता है। राम मतलब हमारी जो आत्मिक शक्ति है और जो हमारे अंदर भागवत शक्ति है, वो ही हमारे असुरत्व का विनाश कर सकती है, बाकी और कोई भी वस्तु हमारे असुरत्व का विनाश नहीं कर सकती है। पर उस असुरत्व को पहचान कौन सकता है, कोई विश्वामित्र बन करके पहचान सकता है। जिस व्यक्ति ने ये ठाना है कि पूरा विश्व ही मेरा मित्र है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम् आते है ना वेद में, तो सब हमारे मित्र बने ये जरूरी नहीं, पर हम सब के मित्र बने ये हमारे ही हाथ में। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, अपने चित्त के प्रसाद के लिए, अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए हमें ये भावना रखनी है, मैत्री की भावना सबके प्रति। तो ऐसा जो विश्वामित्र बनना चाहेगा, सबको अपना मित्र जैसे जो देखना चाहेगा, तो उसमें बाधाएं आएंगी ना फिर बीच में, ये एक अनुष्ठान है व्यक्ति का। बाहर के अनुष्ठान तो हमें दिख जाते हैं कि जी अब नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है, अब दीपावली का अनुष्ठान चल रहा है, अब सुंदरकांड का अनुष्ठान चल रहा है, अब रामायण भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे अनुष्ठान तो दिखते हैं। लेकिन ये जो अनुष्ठान है ये योगियों के अनुष्ठान होते हैं कि अब मेरा अनुष्ठान क्या है, अब मुझे प्रतिपल ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर के रहना है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित का मतलब हर पल हर क्षण हर स्थान में हर वस्तु में ब्रह्म को ही देखना है, तो ये एक अनुष्ठान है। तो उसमें व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने अंदर वो करेगा, अपना निरीक्षण करेगा कि कब कब भूल गया था मैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में नहीं रहा था, कितनी देर रहा, तो कल उससे ज्यादा करना है। ये व्यक्ति अनुष्ठान शुरू करता है कि अब मेरे को सत्य में प्रतिष्ठित होकर के रहना है, तो ये देखेगा कि आज कहाँ कहाँ मेरे से असत्य बोला गया। संस्कार वश हमारी इंटेंशन नहीं होती है, फिर भी हम छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी बोलने की, ये भी एक अनुष्ठान है। व्यक्ति देखता है कि मुझे तो विश्वामित्र बनना है, और वो देखेगा कि जिस व्यक्ति ने मेरे अनुकूल आचरण नहीं किया उसके प्रति, उसके सामने आने पर मेरे अंदर मैत्री की भावना नहीं थी, तो ये अनुष्ठान में बाधा आ गई ना। तो ये बाधा ही सुबाहु और मारीच राक्षस हैं, और तब वो फिर अपने लक्ष्य को देखेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, इस अनुष्ठान को पूरा करना, और इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। इस अनुष्ठान को पूरा, मेरे व्रत को नियम को पूरा कौन करवा सकता है, मेरी आत्मिक शक्ति, मेरी आध्यात्मिक शक्ति, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो बढ़ती है ध्यान से, उपासना से, भगवत शरणागति से। तो उनको तो पता ही नहीं चलता है, हमें तो टाइम देखना पड़ता है घड़ी में कि जी कितनी देर ध्यान के लिए बैठूं, एक घंटा की, आधा घंटा की, 25 मिनट, और उनको क्या लगता है एक सीटिंग कितनी लंबी हो गई, महर्षि दयानंद को पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि 4 बजे उठ के बैठे थे तो टाइम कम पड़ गया, तो कल से 3 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे वाला भी कम पड़ गया तो अब 2:30 बजे 2 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सब शांति रहती है। तो
ऐसे वो करते हैं 6-6 घंटा 7-7 घंटा, मतलब बाद में उनको पता चलता है कि ये तो इतना टाइम बीत गया। और कोई घड़ी सामने रख के अलार्म नहीं रखते हैं कि इतने घंटे बैठना है फिर उठना है, घड़ी देख के उठने के बाद देखते हैं कि इतना टाइम, और फिर कोई उनसे पूछे तो वो बता देते हैं, मतलब दूसरे को प्रेरणा मिले इसलिए बता देते हैं कोई पूछे तो। ये रामत्व अंदर ही है सबके, वो ही रक्षा कर सकता है हमारी असुरत्व से। ठीक है, माइक दे दो इनको। दीदी जी, आपने कहा कि राम हमारे अंदर ही है, तो इस राम को जागृत करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें जी? जहां आप खड़े हैं, कैसे करें जी? आपके अंदर कितनी अहिंसा है उसको और आगे बढ़ाना, कितना सत्य है उसको और आगे बढ़ाना, कितना ब्रह्मचर्य उसको, तो सबका अलग अलग है ना। तो जहां हम खड़े हैं माने जो हमारे चित्त की स्थिति है उसको और थोड़ा आगे बढ़ाते जाओ यथाशक्ति। मतलब ऐसे भी नहीं कि ढीले ढाले चलें कि हो जाएगा जब होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जी मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है और टाइम तो बहुत कम बचा है। तो टाइम हमारे पास अनंत है, ये शरीर नष्ट भी हो गया तो कोई बात नहीं, फिर मिलेगा आप यदि ईमानदारी से लगे हैं तो। लेकिन एक बात व्यक्ति को बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि अपनी आपकी जो सामर्थ्य है ना उसका 100% उपयोग करना ही होगा, उसमें 99 नहीं चलेगा। हो सकता है दूसरे से 100% लगा के भी आपके पड़ोसी से आपकी शक्ति फिर भी कम पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अपनी जो सामर्थ्य है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए 99 से काम नहीं चलेगा। यदि आप 12 घंटे 14 घंटे 16-18 घंटे सेवा कर सकते थे, इतनी कैपेसिटी थी, और आप करते रहे 10 घंटे ही, तो कसर है फिर। तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए ये सारे यम नियम हैं। क्योंकि व्यक्ति को शुरू में ये लगता है कि जी ये यम नियमों का पालन करना ना बहुत ऐसे लगता है, एबनॉर्मल लगता है, मतलब हाँ अपने सामान्य रूटीन से हट जाते हैं, ऐसे लगता है कुछ बनावटीपन आ गया जीवन में, कुछ खींचातान सी आ गई, सहज नहीं रहा जीवन, हर समय ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा, सहज होना चाहिए जीवन, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जिसको आप सहज कह रहे हैं वो सहज है नहीं, वो तो प्रमाद की अवस्था है। आपने अपनी पूरी शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, और जब तक पूरी शक्तियों का सदुपयोग नहीं होगा तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको सत्य नहीं मिलेगा। अब देखो ना, आप कुछ तो डालिया के फूल हैं वो इतने बड़े होते हैं, उसका अपना एक सौंदर्य है, उससे भी बड़ा ब्रह्म कमल होता है, उसका फूल इतना बड़ा होता है, उसमें गंध भी होती है। और एक घास का फूल तो इतना नन्ना सा होता है, छोटा सा, तो कितनी भी सामर्थ्य लगा दे डालिया जैसा तो बनेगा नहीं कभी। लेकिन उसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो यदि उसने पूरी लगा दी तो उसका भी अपना एक सौंदर्य है, घास के फूल का भी, छोटे छोटे नन्हे फूल है ना, वो भी बड़े सुंदर दिखते हैं खिलने में। और फिर उस आत्मा के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता कि आपने अपनी कोई शक्ति बचा के रखी, तो अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। वो हमें खुद देखना है कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, मैंने अभी कितनी यात्रा तय की है, लक्ष्य मेरा क्या है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसे तराजू से तोल के भगवान नहीं देखता है कि भाई इसने तो इतना जप तप किया तो मैं इस पर इतनी कृपा करूं, इसने तो इतना किया तो अभी इसको ना दूं, ऐसा नहीं करता है ईश्वर। आपकी जो सामर्थ्य है वो 100% लगा दें आप, तो बस फिर आपका काम पूरा, आगे वो खुद करेगा अपना काम। ये एकदम से शुरुआत करेंगे तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी जी? शुरुआत वहीं करते हैं से लेकिन मिलेगी, वो दे के ही भेजा है, पॉकेट मनी दे के भेजा है, खाली नहीं भेजा। जैसे अच्छे माता पिता अपने बच्चों को कुछ मेले में फंक्शन में भेजते हैं तो देते हैं ना, तो ज्यादा धनवान है तो
कुछ ज्यादा दे देते हैं, थोड़ा कम है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं, देते तो हैं, लेकिन तो ईश्वर के पास तो अनंत है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार जितना हमें मिलना चाहिए था, जितनी हमारी पात्रता थी, योग्यता थी, उतना उसने हमें दे करके भेजा है संसार में। तो हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, और जब उसका आप सदुपयोग करते हैं तो फिर और भी मिलती है, ये अच्छी बात है। संसार के माता पिता तो हो सकता है ये कह दें कि बस भाई मेरे पास तो इतना ही था, मैंने दे दिया, अब खत्म, लेकिन उसके पास अनंत है। तो जितना हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करते हैं तो और फिर मिलती ही जाती है। बोल जी कब तक मिलेगी? अनंत तक मिलेगी, आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी मिलेगी जितनी आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतना आपको मिलेगा। लेकिन जो है उसको पहले 100% सदुपयोग कर लेना। ओम दीदी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने कोई जप किया या यज्ञ किया, अगर हम उसे लंबे समय तक करते हैं तो हमारे अंदर मतलब दिव्यता आ जाएगी, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, और ईश्वर की हमारे पे विशेष कृपा रहेगी कि हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमें रोकेगा। तो जो आप ये असुर बता रही हैं, इन्होंने कितने बड़े मतलब कितने कितने विशाल तप किए तब जाके इन्हें शक्ति प्राप्त हुई, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है जिसने जिस यज्ञ से जिस तप से इतना कुछ हासिल करा वो उसके इतने विरुद्ध हो जाए कि उसमें मांस रक्त डालने लगे? कौन? जो जिसने इतना तप किया, इतना तप किया, जिस ईश्वर से इतनी शक्ति प्राप्त की, उस ईश्वर को पाने के लिए अगर कोई मनुष्य और यत्न कर रहा है, हाँ, तो वो इतना क्रूर कैसे, मतलब इतना दिव्य था, कितनी शक्ति? कौन क्रूर कौन बना यहाँ पे? राक्षस जो आप बता रहे हैं, मारीच और सुबाहु, हाँ ना, उन्होंने तो तप इसलिए किया था कि हमें काम बिगाड़ने की शक्ति दो, उन्होंने दिव्यता प्राप्त करने के लिए तप नहीं किया था। तो तप करते करते तो दिव्यता अपने आप आ जाती है? ना ना ना, जिस लक्ष्य को लेके आप तप कर रहे हैं वो शक्ति मिलेगी। चार प्रकार के भक्त बताए ना गीता जी में भी, और लोक में भी हम देखते हैं, तो सभी तो मेहनत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेहनत करता है आईएएस बनने के लिए, एक व्यक्ति मेहनत करता है बिजनेसमैन बनने के लिए, एक व्यक्ति तप करता है विद्वान बनने के लिए, एक व्यक्ति तप करता है एक्टर बनने के लिए। तो तप तो सभी का ही है ना, लेकिन सबके लक्ष्य अलग अलग है, तो उनको वो वही तो लक्ष्य मिलेगा। तो मारीच सुबाहु ने तप तो किया, लेकिन किसके लिए किया? ऐसी शक्ति दो कि हम अच्छे लोगों को खूब सताया करें। आज भी करते हैं तंत्र विद्या में, जो तांत्रिक हैं तो वो ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं, आसुरी शक्तियां। उनको लगता है कि ये जो मेरा पड़ोसी है या मेरा मित्र है, इसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो मैं इसको मजा चखाऊंगा, कैसे ऐसी कोई आसुरी शक्ति प्राप्त करके उसके ऊपर छोड़ूंगा। हाँ सच में ऐसे प्राप्त करते हैं, वो भूत प्रेत को अपने वश में करते हैं, फिर उसके ऊपर छोड़ देते हैं। सुना आपने कभी ऐसे? बोल जी ऐसे थोड़ी होता है भूत प्रेत को। भूत प्रेत मतलब सारी शक्तियां तो है ना ब्रह्मांड में, दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं, इसलिए तो गीता को दैवी संपद और आसुरी संपद बताना पड़ा ना। तो संपद है नाम उसका भी, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आसुरी शक्तियां वो भी अपने आप में संपद है, और दैवी तो संपद है ही है। तो इन्होंने तप तो किया, लेकिन तप उन्होंने इसीलिए किया था। वो दीदी जी भगवान जो है वो तो भावना देखता है, जब उसे भगवान को पता है कि इसकी भावना। देखो भगवान आप कोई ऐसा मनुष्य मत समझो, आप लोगों ने भगवान की कल्पना क्या कर रखी है कि कोई एक ऐसा मनुष्य होगा जैसे हम 5-6 फीट के हैं तो 8 फीट का होगा, 9 फीट का होगा। हम यदि 50-60 केजी के हैं तो वो हो सकता है 70 केजी का हो, उससे ज्यादा तो चलेगा नहीं क्योंकि स्वामी जी का युग है आजकल। और हमारे 2 हाथ हैं तो उसके 4 होंगे, उन्होंने खूब सारी मालाएं पहन रखी होंगी, सिर पे सोने का मुकुट होगा और हाथ पैरों में आभूषण होंगे, एक में गदा होगी, एक में शंख होगा, चक्र होगा, पदम होगा, कमल का फूल होगा, और उनके चारों तरफ प्रकाश जैसे सूर्य की तरह घूम रहा होगा। वो हमने भगवान समझा है, जैसा हमने देखा है सीरियल आदि में। और फिर उसको हम कुछ भी कहें तो वो हमारी भावनाओं को समझेगा,
ऐसा आपने समझ रखा है भगवान को, भगवान का ऐसा स्वरूप है नहीं। लेकिन भगवान भगवान क्या हम अपना भी आत्मा का कोई स्वरूप है क्या? हमारा शरीर का तो स्वरूप है, चेतना का कोई स्वरूप है क्या? नहीं है, वो एक एनर्जी है। आप शरीर को कतरा कतरा काट के देख लो, आपको मिलेगा आत्मा? कहीं कहीं नन्हा सा तो मिले, मच्छर जितना तो नहीं मिलेगा। शरीर से बाहर जाते समय भी नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने इस शरीर को, मरने वाले शरीर को, जो भाई अभी मरने ही वाला है, उसको बिल्कुल एयर टाइट ग्लासेस में रखा और वहां से जब उसका निकल गया आत्मा, तो कितना वजन कम मिला उसका? 0.06। ये किसका वजन था? ये सूक्ष्म शरीर का था, प्राण का, न कि आत्मा का, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना। तो स्थूल शरीर का तो वेट सबको पता ही है, अपना अपना कितना है, और ये सूक्ष्म शरीर का था जो निकल गया, प्राण निकल गया। आत्मा का, आत्मा की कोई फॉर्म नहीं है, ऐसे परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, एक एनर्जी है वो। और जो एनर्जी है वो इस सारे ब्रह्मांड में ऑटो सिस्टम पे काम कर रही है। तो जिस शक्ति का आप आह्वान करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि यज्ञ में मंत्र ठीक बोलने चाहिए। गीता में भी कहा, मंत्रहीन यज्ञ कैसा होता है? तामसिक यज्ञ। दक्षिणा से हीन यज्ञ, तामसिक यज्ञ। तो मंत्रहीन का मतलब ये थोड़ी है कि मंत्र बोला ही नहीं जा रहा। मंत्रहीन का मतलब है कि मंत्र को अशुद्ध बोला जा रहा है। बोल तो रहेंगे तभी तो यज्ञ होगा, लेकिन अशुद्ध बोल रहे हैं तो वो तामस कोटि में चला जाएगा और वो उन शक्तियों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे वो सेंसर लगे होते हैं ना, तो सेंसर आपकी भावनाओं को समझेगा कि जिस उस पे उसको लगाया है उस एक्शन को समझेगा। सेंसर किसको समझते हैं? एक्शन को समझेगा वो, अपने पदार्थ में जो सेंसर लगा रखे हैं। सिर्फ तेल की बोतल में इतना ग्राम तेल आएगा और वो तेल यदि 10 ग्राम कम है तो सेंसर उसको दूर फेंक देता है, बोतल को, फॉल्ट है। वो ये नहीं समझेगा कि भाई भरने वाले की भावना तो अच्छी ही थी, वो 10 ग्राम डालना भूल गए, वो भावना को नहीं समझता है सेंसर। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में भागवत शक्तियां, जिसको रित नियम भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, वो अपने एक ऑटो सिस्टम पे काम कर रही है सारी सृष्टि, और उस सारी सृष्टि को मिलाकर के ही वो ईश्वर का स्वरूप है, उन सारी शक्तियों को मिलाकर के। जैसे हमारे शरीर में जो जो शक्तियां काम कर रही हैं, माइंड काम कर रहे हैं, आंख काम कर रही है, कान कर रहे हैं, वाणी कर रही है, हार्ट कर रहा है, लीवर, किडनी सब काम कर रहे हैं ना अपना अपना। ये जो सारी शक्तियां, इन सारी शक्तियों को मिलाकर के ही आत्मा कहा जाएगा। इन सारी शक्तियों का जो मालिक है वो आत्मा है। ऐसे ब्रह्मांड में सारी शक्तियों का जो मालिक है वो परमात्मा है। सारी की सारी ये सब घूम रहे हैं, इतने लोक लोकांतर हैं। हम तो एक लोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक, और वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। पृथ्वी लोक ब्रह्मांड की दृष्टि से कितना है? नन्ना सा ही है ना, गेंद जैसी स्थिति है पृथ्वी की इस ब्रह्मांड में। और इससे बड़े बड़े तो सूर्य आदि बहुत सारे लोक लोकांतर हैं, जिनको साइंस ने जाना है, और जिनको साइंस ने नहीं जाना है वो भी तो लोक लोकांतर हैं, और वो इतनी फास्ट उससे घूम रहे हैं। केवल पृथ्वी नहीं घूम रही, सब घूम रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम रात को जहां सोए थे वहीं उठ गए। आप वहीं नहीं होते हो, आप तो कहीं दूर पहुंच गए,